अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर विजय हल्दांडी हूँ। मैं शेयर इंडिया में इन्फेक्शस डिजीज़ और पब्लिक हेल्थ का हेड हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में। अब सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है और करीब करीब 4 लाख लोगों की इंतकाल हो चुकी है। तो ये कोविड से अभी बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई। अब आपने सुना होगा कि आजकल डेल्टा वेरिएंट के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। ये दरअसल ये है कि जब कभी भी कोविड जैसी वायरस हो या दूसरे भी कोई इन्फेक्शन हो, ये जब बढ़ते रहता है तो अलग अलग किस्म के अलग अलग वायरस पैदा होते हैं। जब एक शख्स को कोविड हुआ है, वो एक शख्स से दूसरे शख्स को जब कोविड आता है, थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, तो थोड़े दिन के बाद ये ज़रूर अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे क्या होता है कि जब कोई भी कोविड अलग नए तौर पे जब कोविड आ जाता है, यदि ये कोविड पहले से ज़्यादा जल्दी लग जाती है किसी को, या इस कोविड से कुछ बीमारी ज़रा सख्त हो जाती है, तो इसे हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो ये एपिडेमिक में कोविड अलग अलग तरह के कोविड के वेरिएंट्स आएंगे, ये तो हमें शुरू से मालूम था, क्योंकि ये कोविड इतनी जल्दी से फैल जाती है, सारे मुल्क में इतने लोगों को कोविड हो चुका है और इतनी जल्दी फैल जाती है हवा में, तो अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आना, अल्फ़ा वेरिएंट, बेटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, लैम्ब्डा वेरिएंट, ये आना तो ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे फिक्र इस बात की है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, एक तो एक से दूसरों को बहुत जल्दी फैल रही है, इससे जो बीमारी हो रही है बहुत सख्त हो रही है, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, और पहले से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से जान का ख़तरा है। और ये भी हो रहा है कि इस बीमारी के इलाज में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, जो पहले आसानी से इलाज हो जाती थी और ऑक्सीजन देने से लोगों की जान बच जाती थी, आजकल ये डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हमें क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पे सब लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ एक वैक्सीन के डोज से पूरी तरह से इम्यूनिटी नहीं आती है, कम से कम 2 वैक्सीन के डोजेस ज़रूरी है। पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में कुछ हफ्तों की टाइम ज़रूरत है। सेकेंड डोज के बाद, दूसरे डोज वैक्सीन के बाद ही, 2 हफ्ते के बाद ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ताकि ये इन्फेक्शन से हम बच सकें। ख़ास तौर पे ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों भी डोज ले चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और उनको इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उनको जान का ख़तरा कम है। और ये भी हो सकता है कि जो वैक्सीन लेते हैं उनको यदि इन्फेक्शन हो भी जाता है खुदा ना खासा, तो उनसे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन जाने के कम चांसेस रहते हैं। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन हर शख्स को लेने की बहुत ज़रूरी है। अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में बच्चों के लिए भी वैक्सीन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोविड जो है
बच्चों को भी आती है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो बच्चों को इन्फेक्शन होती है उनको ज़्यादा सख्त बीमारी नहीं आती है, लेकिन उनको इन्फेक्शन ज़रूर होती है और उनके पास से दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन आ सकती है। इसलिए यदि हम सारे मुल्क में सब लोगों को, बड़े और बच्चे सब लोगों को वैक्सीन दे सकेंगे, तो हम ये कोविड नाम की बीमारी से सही तौर पे मुकाबला कर सकेंगे और हमारे सारे देश में कोविड से खतरा कम हो जाएगा। लेकिन अब वैक्सीन सब लोगों को मिलने तक हमें क्या करना चाहिए? इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये जो बीमारी है हवा में फैलती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साफ़ हवा हो। साफ़ हवा कैसे मिलती है? साफ़ हवा ऐसे मिलती है जहाँ खिड़कियाँ खुले हो, दरवाज़े खुले हो, तो ताज़ा हवा मिलता है। ताज़ा हवा में इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन तभी होता है जब हवा ताज़ा ना हो, किसी को कोविड की बीमारी हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुकी है, उनके सांस में वायरस है, उनके सांस में से हवा में वायरस फैल रही है, तो कम से कम उनसे 2 गज दूर रहना बेहतर है। इसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये मास्क इतनी सिंपल चीज़ है, कॉटन की मास्क है। कॉटन की मास्क आप ऐसे लगा लें तो हवा में जो वायरस है वो आपके जिस्म में आने का खतरा कम होता है। आप चाहें तो डबल मास्क लगा लें ऐसे, और हर रोज़ ये मास्क को धोते रहें, या नहीं N95 मास्क का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे यदि आपको किसी कोविड इन्फेक्शन के शख्स को आपका उनको देखभाल करना है, तो आपको मास्क पहनना और ख़ास तौर पे N95 मास्क पहनना बेहतर है। इसके अलावा आपको इसका भी ख्याल रखना है कि कोविड जो है हाथों पे भी फैल सकता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ये अल्कोहल है, इसे हाथ साफ कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि यदि आपने अपने हाथों से किसी शख्स को छिया जिनको कोविड हो चुकी है, इन्फेक्शन है, तो आपके हाथों से आपको फैला आपको आ जाएगा और आपके हाथों से दूसरों को भी फैल सकता है। तो हर बार ये ख्याल रखें, ताज़ा हवा, साफ़ हवा, साफ़ हाथ, और अपने आजू बाजू भी सबका सफाई का ख्याल करें। इससे आपको कोविड आने का खतरा कम होगा। और ख़ास तौर पे ये इसका ख्याल रखें कि आज हम डेल्टा वेरिएंट से परेशान हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल के दिन कोई और वेरिएंट भी आ जाए जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खबरदार रहना चाहिए, हमें हमारा खुद का ख्याल रखना चाहिए और हमें अपनी बिरादरी का भी ख्याल रखना चाहिए। सब लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, सब लोगों को साफ़ हवा होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 गज दूर रहें, या नहीं तो कम से कम मास्क का इस्तेमाल करें, और इसका ख्याल रखें कि यदि कोविड हो जाता है खुदा ना खासा तो डरने की बात नहीं है। जब कभी भी कोविड से आप परेशान हैं, आपको सेहत ख़राब हो गई है, बुखार आ रही है, जुकाम आ रही है, बदन में दर्द है, सर में दर्द है, या कोई भी कोविड की वजह से कोई भी आपको कुछ भी
अलग अलग किस्म के सिम्टम्स हैं, तो ख़ास तौर पे क्या देखना है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। ये एक छोटी सी ऑक्सीमीटर है, बहुत ही सिंपल और आसान है। ऑक्सीमीटर आप लगा लें और देखें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% के ऊपर है तो कोई फिक्र की बात नहीं। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम है तो आपको दवाई से फायदा है। कौन सी दवाई? आज तक साबित हो चुका है कि जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम है उनको डेक्सामेथासोन से फ़ायदा है, और डेक्सामेथासोन भी 6-8 मिलीग्राम से ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि बुटेक्सोनाइड इन्हेलर आप इस्तेमाल करें, उससे भी फ़ायदा होगा। कोविड जिनको होता है, बहुत लोगों के खून के गड्ढे होते हैं, ये खून के गड्ढे जो हैं फेफड़े में जाके बहुत तकलीफ़ करते हैं और कभी कभी जान का ख़तरा भी होता है, इसलिए खून को ज़रा पतला करने के लिए भी दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो आज तक ये साबित हो चुका है कि डेक्सामेथासोन और खून को पतला करने की दवाइयों से सबसे ज़्यादा फायदा है। अब ये दूसरे दवाइयों से चंद लोगों को शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके, लेकिन उसके लिए सबूत उतनी नहीं है। तो आपको फिक्र नहीं करना चाहिए। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम है तो ज़रूर डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करें, ज़रूर ब्लड थिनर का इस्तेमाल करें, मतलब खून को पतला करने की दवाई का इस्तेमाल करें, या बुटेक्सोनाइड इन्हेलर का इस्तेमाल करें। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है तभी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से बेहतर है, 94% से बेहतर है, आपको दवाखाने को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखना चाहिए से कोविड से हमें डरना नहीं है, कोविड का मुकाबला करना है हिम्मत से। शुक्रिया।